दोस्तों, वन प्लस नॉट की जो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन वो आखिरकार लीक हो चुकी है और कंपनी ने इस फ़ोन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की है और कंपनी का कहना ये भी है कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है। लेकिन अब खबर ये निकल के आ रही कि इस फ़ोन के साथ, यानी कि 21 जुलाई को जब ये फ़ोन लॉन्च होगा, तो इस फ़ोन के साथ एक और फ़ोन लॉन्च हो सकता है जिसका नाम है यहाँ पर वन प्लस नॉट लाइट। और इस फ़ोन के बारे में भी कुछ स्पेसिफिकेशन और लीकेज निकल के आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर राजपूत, आप देख रहे लेटेस्ट गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सरकार प्लीज चल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का दबा लीजिए, क्योंकि मैं इससे कमाल की टेक्नोलॉजी वीडियो लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, यहां पर वन प्लस नॉट लाइट भी 21 जुलाई को लॉन्च हो सकता है और यहां पर इस फोन के प्रोसेसर के बारे में जानकारी निकल कर आई है। मैं आपको यहां पर बता दूं कि इस फोन में जो है ना, एक जो गीक बेंच पर इस फोन को स्पॉट किया गया है, जहां पर इस फोन का जो मॉडल नंबर बताया गया है वो बताया गया है B2028। तो देखने वाली बात यह है कि किस प्रोसेसर पर लॉन्च होगा, क्योंकि वहां पर एक हिंट दी गई है गीक बेंच पर ट्विटर पर कि यहाँ पर जो है ना, इसमें 619 एड्रेनो 619 जीपीयू आने वाला है। अब 690 जो एड्रेनो जीपीयू है वो क्वालकॉम के 690 यानी कि 690 मॉडल के साथ आता है। यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही क्वालकॉम का एक नया 5G प्रोसेसर आया था जो खासकर मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए ही बनाया गया है। और इस प्रोसेसर, ये जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 है, 1.7 गीगाहर्ट्ज़ की प्रोसेसर पर आता है और ये 5G प्रोसेसर है जो आपको अब सस्ते स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है कि वन प्लस नॉट लाइट जो है ना वो इसी प्रोसेसर के साथ आए। अब बात आती है यहाँ पर कि स्पेसिफिकेशन तो वन प्लस के स्मार्टफोन में अच्छी होती है, प्रीमियम फ़ोन होते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस फ़ोन है वो मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाले हैं। और वन प्लस लाइट ये किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी मिली नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है, कई जगह मैंने वीडियो भी देखा है, कई जगह पढ़ा भी है, तो वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि 20,000 के अंदर ये फ़ोन लॉन्च होगा, कुछ कहते हैं 25,000। तो ऐसे में मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि वन प्लस एक प्रीमियम स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है और वन प्लस नॉट जो स्मार्टफोन है वो आपको 20,000 के आसपास तो देखने को नहीं मिलेगा, ये बात कंफर्म है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये फ़ोन 35,000 से 40,000 रुपये के आसपास लॉन्च होने वाला है। और जो वन प्लस नॉट लाइट आ रहा है जिसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी निकल के आई है, ये भी कम से कम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 25,000 से ऊपर की कीमत में। तो ये फ़ोन आप इतना सस्ते में मत लीजिए और इससे ज़्यादा उम्मीद लगा के मत बैठिए, क्योंकि ये जो है ना, इतनी हाइप जरूर इस फ़ोन को लेकर क्रिएट हो गई है, लेकिन आप जिस प्राइस पॉइंट पर सोच रहे हैं उस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन लॉन्च होने वाला नहीं है। वैसे आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपके दिमाग में इस फ़ोन को लेकर क्या चल रहा है, किस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है, और अगर ये सही प्राइस पर लॉन्च होता है तो क्या आप इस स्मार्टफोन को परचेज करेंगे या फिर से वही नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड के पास जाएंगे। तो जैसे ही ये फोन हमको लॉन्च होता है तो मैं इसके बारे में आपको वीडियो बता ही दूंगा। इसके अलावा यहां पर एक और लीक वन प्लस नॉट लाइट के बारे में निकल के आई है कि यहां पर एंड्रॉइड 10 आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर ऑक्सीजन OS की स्किन आपको तो मिलने वाली है, जैसे कि वन प्लस के सभी डिवाइसेस में यहां पर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं यहां पर कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये फोन बहुत ही कम कीमत में लॉन्च होंगे, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वन प्लस नॉट लाइट जो है ना वो 15-16 हज़ार में लॉन्च। मैं आपको बता दूं कि जो मिड रेंज प्राइस की एक जो डेफिनेशन है वो सभी ब्रांडों के लिए अलग अलग है। जैसे कि आप सोच लीजिए, अगर यहां पर आईफोन या अपनी एप्पल कहता है कि मैं एक मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च करूंगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये 15-20 हज़ार रुपए वाला फोन लॉन्च करेगा। अगर यहां पर शाओमी कहता है कि मैं यहां पर एक मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला हूं, तो हो सकता है यहां पर 15-16 हज़ार रुपए के आसपास आपको फोन देखने को मिल जाए, क्योंकि शाओमी के लिए मिड रेंज जो है ना वो अलग डेफिनेशन है और आईफोन के लिए मिड रेंज एक अलग अलग डेफिनेशन है। तो इसीलिए आप वन प्लस नॉट को 20,000 रुपए के आसपास तो बिल्कुल मत आंकिए, 35-40 हज़ार रुपए के आसपास ये फोन लॉन्च होगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।